हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू औषधि। घरेलू औषधि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बी नेचुरल बी हेल्दी, लाइफ में स्वस्थ रहें और नेचुरल रहें। फ्रेंड्स, आइए आपको बताते हैं, अगर बिच्छू आपको डंक मार दिया हो, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे डंक मार दिया हो, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए दवा बनाने के लिए, यह सारी चीज़ों का जिक्र आपको इस वीडियो के जरिए फ्रेंड्स मैं करने जा रहा हूं। तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या इसमें आवश्यक सामग्री चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, फ्रेंड्स, दोज यू आर कंपैटिबल इन इंग्लिश प्लीज़ गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव मेंशन ईच एंड एवरी प्रोसीजर रिगार्डिंग इट प्रॉपरली, प्लीज़ गो थ्रू दैट। महत्वपूर्ण सामग्री में फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ फिटकरी खड़ा और एक साफ पत्थर की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको दो सामग्री चाहिए, एक फिटकरी चाहिए और दूसरा एक साफ पत्थर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिटकरी और पत्थर दोनों हैं। ध्यान दें फ्रेंड्स, फिटकरी लेते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान आपके जहन में होना चाहिए। क्या आपको सेविंग वाली फिटकरी नहीं लेनी है, आपको दुकान पर जाके और ये खुरदुरे वाली फिटकरी लेनी है। जी हाँ, ध्यान रहे, ये खुरदुरे वाली फिटकरी ही होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा कारगर होती है। आइए बताते हैं, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कोई डॉक्टर के पास जाए, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। अगर कोई भी विषैला डंक आपके शरीर पर लगता है बिच्छू द्वारा, तो सबसे पहले तो आप एक पतले कपड़े या रस्सी से आप उसके ऊपर बांध लें और उसके नीचे बांध लें, ताकि जहर ज़्यादा फैले ना। तो जहर अगर नहीं फैलेगा तो वहाँ पे रुका हुआ रहेगा। और उसके बाद आपको जो फिटकरी आपको दिखाया हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से, इस फिटकरी को आपको लेना है और फिटकरी को रब करना है, यानी रगड़ लेना है इस पत्थर पर। और पत्थर पर रगड़ते वक्त फिटकरी का एक लेप बनता जाएगा, उस लेप को लेना है और जहाँ जिस पार्ट पे डंक मारा हुआ है बिच्छू ने, उस पे आपको लगा देना है। लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक छोड़ना है, वहाँ पे छोड़ देना है। और उसके बाद आपको जल्द से जल्द लगेगा कि मेरे सारे दर्द खींच गए और आपके जहर काम करना आपके शरीर में बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही अत्यंत उपयोगी औषधि है फ्रेंड्स, आप इसे लोगों को अवश्य बताएँ और यह लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो लोग आमतौर पर जिनको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इससे काफ़ी हद तक निजात पा सकें। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग घरेलू औषधि।